भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने पर लगी हुई, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही। आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर भी सड़कों पर घूम रहा। देखिए, राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है, वो राजनीति से उसका कोई लेना देना। हर आदमी पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है और धर्म को मानने के लिए भी वो स्वतंत्र है। निश्चित रूप से श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है बार बार इधर उधर जाने से। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर और किस रणनीति के सहारे चुनाव लड़ेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी लालजी वर्मा जी। सर, टिकट मिलने पर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके और ये लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है बाबा साहब का संविधान बचाने का और इस देश से लोकतंत्र बचाने का, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने पर लगी हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास कर रही है। ये प्रमुख रूप से इन बातों को लेकर हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है। आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, इंजीनियर, डॉक्टर भी सड़कों पर घूम रहा, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है, किसान की आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव में जाने का काम करेंगे और अंबेडकर नगर का जो विकास हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है और जब जब भी हमें अवसर मिला इस अंबेडकर नगर को नंबर एक बनाने के लिए हमने प्रयास किया है, उस प्रयास को और अधिक बल मिले, ये भी हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। सर, सपा पीडीए को मुद्दा बना रही है और भाजपा राम मंदिर को, ऐसे में समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे जो एक आस्था का विषय है उससे कैसे निपटेगी? देखिए, राम मंदिर लोगों की आस्था का विषय है, वो राजनीति से उसका कोई लेना देना है। हर आदमी पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है और धर्म को मानने के लिए भी वो स्वतंत्र है। कोई एक समाज नहीं है, हर वर्ग के लोगों की अपनी अपनी अलग आस्थाएं हैं। राम मंदिर एक अलग मुद्दा है और राजनीति एक अलग मुद्दा है। जिसने भी दोनों मुद्दों को एक साथ प्रयास किया है ले जाने का, उनको निश्चित रूप से वही उनका जो मुद्दा है वही उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्याय और अत्याचार बहुत दिनों तक सफल नहीं हो सकते। भाजपा आज अन्याय और अत्याचार करने में लगी हुई है। पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है, दलितों का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 34 लोक विश्वविद्यालयों में एक भी वाइस चांसलर इन वर्गों का नहीं है, इसलिए ये सबसे प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए हम संघर्ष करें। बिहार में नीतीश गठबंधन से अलग हो गए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना तेवर दिखा रही हैं, तो इससे गठबंधन को कितना नफा नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, वहाँ अकेले ममता जी भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से वहाँ से, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने पटकनी देने का काम किया, उसी तरह लोकसभा के चुनाव में वो भाजपा को पटकनी देने का काम करेंगे। बिहार में जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है बार बार इधर उधर जाने से। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और जिसके कारण जनता में उनका आधार घटता जा रहा है और निश्चित रूप से भाजपा को वहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल और उसका गठबंधन सब मिलकर वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो भाजपा को वहाँ हराने में सफल होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सांसद बनने के बाद अंबेडकर नगर में सबसे पहले आप कौन सा प्रमुख विकास कार्य करना चाहेंगे, क्या खाका? देखिए, जहाँ तक अंबेडकर नगर के जो विकास का सवाल है,
हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा रही है कि हर गांव में जाने का अच्छा साधन हो, सड़कें अच्छी हों, रोजगार यहां के लोगों को अच्छा मुहैया हो सके। हमने मंत्री के कार्यकाल में ये प्रयास किया कि हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, प्रयास किया, काफ़ी सफलता भी मिली। दूसरा, चिकित्सा एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने बड़े अरमानों के साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित कराने का काम किया था, लेकिन आज भाजपा के 7 साल की सरकार में उस मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर बन गई है। एक अस्थाई प्रिंसिपल भी नहीं मिल पा रहा, इसके कारण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पा रही। हमारा ये प्रयास होगा कि लोकसभा जाने के बाद एम्स का निर्माण अंबेडकर नगर में हो, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, ये इसके लिए हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर NTPC है, NTPC के द्वारा यहाँ के काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन जिन काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण की गई बेरोजगार हो गए, उनको भी रोजगार मुहैया नहीं किया जा रहा। आउटसोर्सिंग से यहाँ के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही। हमारा ये प्रयास होगा कि जिन लोगों को ठीक से मुआवजा नहीं मिला है, लोकसभा में पहुंचकर हम केंद्र सरकार के माध्यम से उनको सही सही मुआवजा उपलब्ध कराने का काम कर सकें। और NTPC में जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं आउटसोर्सिंग से भी, उसमें 100% जो प्रभावित लोग हैं उनको भी अवसर मिले, और दूसरे नंबर पर अंबेडकर नगर जिले के ही लोगों को अवसर मिले, जिससे उनको रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ अच्छी सड़कें बने, अच्छा लोगों को बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य हो सके, मिल सके, जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है, उसके लिए भी हम निश्चित रूप से प्रयास करें। सर, समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, ऐसे में विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि हो सकता है कि सपा गठबंधन से अलग हो जाए, तो क्या है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहेगी? नहीं, वो तो निश्चित रूप से हम लोगों का ये प्रयास है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा ही सबकारी हो, बना रहे गठबंधन, और जो हमने सूची घोषित की है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसके पहले उन्होंने बातचीत करके और इस बात को महसूस किया है कि वहाँ समाजवादी पार्टी को ही लड़ना है। और निश्चित रूप से पिछला जो चुनाव का रिजल्ट रहा है, चाहे वो 2022 का रहा हो या 2019 का रहा हो या 2014 का रहा हो, वो सभी इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे। धन्यवाद सर। जिनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद बनने के बाद अंबेडकर नगर के विकास और खासकर यहाँ पर एक एम्स की स्थापना के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। अनुराग चौधरी, TV9 उत्तर प्रदेश, अंबेडकर नगर।